हमारे बीच में एक साथी और हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज ये जो रैली का जो एक उद्देश्य है, क्या था उद्देश्य? उद्देश्य ये था कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं या नौजवान हैं, उनको आरक्षण वगैरह जो है मिलना चाहिए, अच्छे सी भागीदारी मिलना चाहिए। और बहुत बड़ी ये बात है जो कॉलेजियम जो व्यवस्था है, जैसे कि जज लोग जो होते हैं वो जज को जज ही बनाते हैं, तो हमारा बहुत सारा दलित समाज जो है आज वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम हर जगह भागीदारी लेकर के इस जो है आंदोलन को बहुत तेज जो है करेंगे। और हमारे यहाँ जो चमल क्षेत्र भी लगता है और इटावा वगैरह, वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग आए और वहाँ पर हम लोग ये इस आंदोलन को तेज करते रहते हैं। डॉक्टर श्याम बाबू जी, जैसे कि आज पूरे भारत के अंदर ये चल रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन है और एक तरफ आरक्षण छीना जा रहा है, तो इस संदर्भ में आज जो जनता जागरूक क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? सर देखिए, बहुत ये हमारा जो देश है वो ज़्यादातर जो है बहुत पिछड़े इलाकों में भी आता है, तो इसलिए जो है लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं इसलिए पैदा होती रहती है। सरकारों की जो योजनाएं चलती हैं वो गांव में जाकर के बंदर बांट कर लेते हैं, जो भी पैसा पहुंचता है बंदर बांट भी कर लेते हैं। और उनको जो है, जैसे कि पिछले टाइम पे सरकार ने पौढ़ शिक्षा का अभियान बड़ी तेज़ी से चलाया था और अब हम देख रहे हैं कि वो सफल भी नहीं हुआ था, बहुत सारे जो है आज भी अंगूठा लगाते हैं। और मुझे बहुत जो है एक शर्म की बात आई लगती है कि जो हम पढ़े लिखे हैं वो एक मशीन से जो है वो आधार कार्ड लिंक करते हैं तब भी वो अंगूठा लगाते हैं। मेरे को बहुत अचरज होता है, जबकि शैन होना चाहिए। जी। तो इसलिए जो है बेटी बेटियों को बचाने के लिए भूल हत्याएं वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स से आ गए हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह है, पैसे ले लेते हैं चुपके से, यानी ऐसे करके वो सारा का सारा डंप हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने ये बताया कि भ्रूण हत्या के बारे में बताया है कि, और सभी नेता और मंच से जब चुनाव होता है कि हम अनुसूचित जाति के लिए करेंगे, दलित समाज के लिए काम करेंगे और जो सबसे लास्ट पायदान पे हम उसको आगे बुलाकर उसके हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो लास्ट वाला और लास्ट में खिसकता जाता है। साथियों, बहुत सारी जो है ये समस्याएं हैं कि नेता केवल जो है मंच पे आता है, और जात जात के काफ़ी नेता हो गए हैं तो वो इसमें लगे रहते हैं कि कहीं हमें कोई प्रधान बन जाए किसी के कारणवश, या मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊं, या मैं विधायक बन जाऊं और इसके बाद में समाज को छोड़ देता है, तो वहीं का वहीं सीमित होकर के वो अपना जो है अपने काम में लग जाता है, अपनी गरीबी दूर कर लेता है, समाज फिर वही भटकता रहता है। तो ऐसे जो है हमारे उदित राज जी भी यही चीज़ें समझा रहे हैं कि आंदोलन करो, सड़कों पर उतरो, नौजवान सड़कों पर उतरो। और बहुत सारी जो है समस्याएं जैसे हो जाती हैं तो हमको उसका आते कहते सांसद विधायक क्या होता है, जब तक आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक इस देश में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन सर, यहाँ तो एक पेट की लड़ाई हो रही है, पेट की भूख मिटाने की लड़ाई हो रही है, लेकिन वो सड़कों पर कैसे आ सकते हैं? हम इस बात को तो कम मानेंगे, क्योंकि जो है सरकारें जो होती हैं, जो हमारे किसान भाई भी हैं और मजदूर भी हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनको पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन आज जो है फिर भी वो अपने मेहनत से पेड़ तो भर ही लेता है। जैसे कि कांग्रेस ने जो है एक योजना चलाई थी जिसको कहा जाता है गारंटी योजना थी वो, महात्मा गांधी वगैरह के नाम से, तो उससे जो है लोगों को रोज़गार भी मिला था, अब तो वो भी बंद हो गया है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, इतनी गरीबी भी नहीं है दलित समाज में, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, नौजवान पढ़ रहे हैं, नौकर पेशा हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे से मदद करके हम सड़कों पर उतर सकते हैं।